कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव को एक खास विशेषता के साथ दुनिया में भेजता है, जिनमें से सिर्फ इंसान ही एक अकेला ऐसा जीव है जो ईश्वर की बनावट को चुनौती देता है और ईश्वर के द्वारा दी गई सुंदरता को अपने अनुसार परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राकृतिक विशेषताओं को ईश्वर का तोहफा मानकर खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं, फिर चाहे यह विशेषता सामाजिक तौर पर अभिशाप ही क्यों ना समझी जाती हो। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक लड़की के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बायोग्राफी मतलब वाह आपके लिए लाता है शानदार बायोग्राफीज, लाइफ स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और बहुत कुछ। सोचिए कि आप एक पब्लिक टॉयलेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी अचानक से एक घनी दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा लड़का लेडीज टॉयलेट से बाहर आता हुआ दिखे तो आप क्या सोचेंगे? वही जो दुनिया का हर इंसान सोचेगा। लेकिन फिर आपको बताया जाए कि दरअसल वो दाढ़ी मूछ वाला लड़का लड़का है ही नहीं, वो एक लड़की है, तो कैसा लगेगा आपको? करंट लगेगा। जी हाँ, करंट लगेगा। ब्रिटेन में रहने वाली 30 वर्षीय हरनाम कौर भी इसी तरह की एक महिला हैं, जिन्होंने मात्र 28 वर्ष और कुछ दिनों की उम्र में ही दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी वाली महिला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। आज वे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक सोशल मीडिया स्टार और फ्रीलांस मॉडल हैं। उनकी तस्वीरें फैशन मैगजीन के कवर पेज पर छपती हैं और वे एक अच्छी खासी शोहरत की मालिक हैं। लेकिन क्या उनकी ये मर्दों वाली विशेषता को इस समाज ने शुरू से स्वीकारा होगा? जी नहीं। हरनाम कौर बताती हैं कि आज उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो इन्हीं दाढ़ी मूछ की बदौलत हासिल किया है। लेकिन आज से 15-16 साल पहले उन्हें अपनी दाढ़ी मूछ को लेकर बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। दरअसल जब हरनाम कौर मात्र 12-13 वर्ष की थी तभी उन्हें दाढ़ी मूछ का एहसास होने लगा था, जिसके बाद उनकी जाँच कराई गई और उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नामक बीमारी निकली। इसका मतलब था कि उनकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का अत्यधिक स्राव हो रहा था, जिसकी वजह से हरनाम कौर के चेहरे और शरीर के बालों की वृद्धि दूसरी नॉर्मल लड़कियों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। यहीं से उनकी जिंदगी अपने सबसे मुश्किल दौर में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे दाढ़ी बड़ी और घनी होती गई। अपने सहपाठियों और आसपास के लोगों के बीच में लगातार हंसी का पात्र बनती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी ना टूटने की जैसे कसम खा रखी थी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज उनकी एक विशेष पहचान है औरों से एकदम अलग। दोस्तों आप भी याद रखिए कि ईश्वर ने जिसे जैसा भी बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है। आप अपनी किसी खास विशेषता को कमजोरी मत समझिए, बल्कि उसे इतना निखारिए कि आखिर में वही आपकी सफलता का रास्ता बन जाए। हरनाम कौर जी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि 100 सलाम है बहन तुझे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो तो आप लाइक कर ही देंगे।